मेरा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से नागपुर स्टेशन पर 24/7 आपात चिकित्सा सेवा सहित मिनी आईसीयू व मेडिकल स्टोर की शुरुआत गुरुवार से हुई है। इसका उद्घाटन मध्य रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक ऋचा खरे, लोकमत एडिटोरियल बोर्ड के चेयरमैन व राज्यसभा के पूर्व सांसद विजय दर्डा, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार व मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी की मौजूदगी में सम्पन्न हुआ। न्यू इरा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से नागपुर स्टेशन 24/7 आपात चिकित्सा सेवा सहित मिनी आईसीयू व मेडिसिन स्टोर की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन मध्य रेलवे की मंडल रेल प्रबंधक ऋचा खरे, लोकमत एडिटोरियल बोर्ड के चेयरमैन व राज्यसभा के पूर्व सांसद विजय दर्डा, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार एवं मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी की मौजूदगी में हुआ। इस दौरान न्यू इरा हॉस्पिटल के संचालक आनंद संचेती, डॉक्टर नीलेश अग्रवाल, डॉक्टर निधीश मिश्रा एवं उज्जवल पगारिया आदि उपस्थित थे। भारतीय रेल और न्यू इरा हॉस्पिटल की ओर से नागपुर के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए जो है बहुत ही अनोखी और सराहनीय पहल के साथ जो है न्यू इरा हॉस्पिटल द्वारा 24/7 इमरजेंसी सेवा का जो है यहाँ पे आज ओपनिंग किया गया है, हॉस्पिटल का ओपनिंग किया गया है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो है आईसीयू के साथ यहाँ पे दवाई या फार्मेसियों के साथ जो है यहाँ पे मिनी आईसीयू के साथ ये हॉस्पिटल की शुरुआत की गई है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले नहीं थी सुविधा, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि यात्री जो होते हैं कई बार इमरजेंसी आती है और ऐसे टाइम पे उन्हें खास सुविधा जो रहती है, वक्त पे सुविधा जो रहती है स्वास्थ्य की, वो नहीं मिल पाती है। और उसी के लिए ये सुविधा यात्रियों को मिले, इसीलिए ये पहल की गई है और ये मध्य भारत का पहला ऐसा नागपुर स्टेशन पे बना हुआ अस्पताल है। भारत के केंद्र में स्थित नागपुर रेलवे स्टेशन बोर्डिंग डीबोर्डिंग के साथ साथ गुजरने वाली ट्रेनों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करता है। यह शहर मध्य भारत का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र भी है, जहां आंतरिक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कई मरीज आते हैं। नागपुर रेलवे स्टेशन पर निर्मित मिनी आईसीयू और फार्मेसी के साथ इमरजेंसी मेडिकल रूम की उपलब्धता से गोल्डन आवर में मरीजों की जान बचाने में कामयाबी हासिल होगी। न्यू इरा ने प्लेटफॉर्म एक पर मिनी आईसीयू आपातकालीन चिकित्सा सेवा व मेडिसिन स्टोर शुरू किया है, जहां बाहरी मरीजों के साथ ही साथ प्लेटफॉर्म के यात्रियों का भी इलाज हो पाएगा। साथ ही यहां यात्री रोगियों को 100 रुपए नाम आएगी। इस दौरान लोकमत एडिटोरियल बोर्ड के चेयरमैन विजय दर्डा ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नागपुर स्टेशन से रोजाना हजारों यात्री सफर करते हैं। स्टेशन पर ही अब गंभीर मरीजों को तत्काल आपातकालीन चिकित्सा सेवा उपलब्ध होने का उनकी जान बचाने में मदद होगी। मध्य रेलवे मंडल की रेल ऋचा खरे ने कहा कि इस उपक्रम से यात्रियों को काफी लाभ हो पाएगा। भारतीय रेल और जो न्यू इरा हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान से जो है रेलवे स्टेशन पर हॉस्पिटल का जो है यहाँ पे आज ओपनिंग किया गया है। हमारे साथ जो है दर्डा जी हैं, उनसे हम जानेंगे आज उसका उद्घाटन हुआ है। क्या बताओगे, भारतीय रेल और न्यू इरा हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में आज जो है ये पहल की गई है अनोखी, क्या बताओ? ये अपनी तरह की ये पहली फैसिलिटी है जो नागपुर में डेवलप की गई है, और ये पैसेंजर्स को जब इमरजेंसी मेडिकल रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए है। यहाँ पे फार्मेसी की सुविधा है, एक आईसीयू भी है, ओपीडी की फैसिलिटी है, एंड होपफुली ये बहुत यूज़फुल रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत होती है, ट्रेन से तुरंत उतार के उनको उपचार देना होता है, तो उसके लिए ये बहुत ही यूज़फुल फैसिलिटी है आम जनता के लिए और पैसेंजर्स के लिए। हमारे साथ सीपी सर है शहर के, उनसे हम जानेंगे कि जिस तरह से हम कई बार देखते हैं कि इमरजेंसी जो ट्रेन में आती है उसके बाद ये जो पहल की गई है ये बहुत ही सराहनीय है, क्या बताओ? बहुत अच्छा ये स्टेप लिया गया है। मैं रेलवे डिपार्टमेंट को और विशेष करके न्यू इरा हॉस्पिटल जो ये सर्विस शुरू किया है उसको हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। डॉक्टर संचेती, डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर मिश्रा जो इसके मुख्य संचालक हैं, उनका अभिनंदन। और बहुत अच्छा उपक्रम है, मुझे विश्वास है कि रेलवे के जो पैसेंजर्स हैं उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा और उनको इमरजेंसी में उनको एक अच्छी ट्रीटमेंट मिल पाएगी।
दरड़ा जी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे कि जो नागपुर के रेलवे स्टेशन पे ये पहल की गई है, आप क्या बताना चाहोगे? सबसे पहले मैं रेल मंत्री जो हैं, सर्वप्रथम मैं रेल मंत्रालय को और यहाँ की DRM को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस एक महत्वपूर्ण सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई है। बहुत सारी उपलब्ध होती है सुविधाएं, पर उसके अंदर हेल्थ केयर जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर उसमें बहुत बार क्या होता है, छोटी छोटी भी चीज़ होती है जिसके लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो ये सोचकर उन लोगों ने जो निर्णय लिया, राष्ट्रीय लेवल पर निर्णय लिया, उसके लिए मैं अश्विनी जी को भी बधाई देता हूँ और चेयरमैन रेल बोर्ड को भी बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ में हमारे डॉक्टर आनंद संचेती जी जो है, जो एक होनहार डॉक्टर है और विशेष यानी इनके अंदर संवेदनाएँ हैं कि कोई भी कॉमन भी आदमी आ जाए या कोई VIP आ जाए, एक जैसी ट्रीटमेंट देने का उनका जो स्वभाव है ये सबसे महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर ICU की भी व्यवस्था है, दवा की भी व्यवस्था है, आने वाले व्यक्ति को तपासने की भी व्यवस्था है और ज़रूरत पड़ी तो वहाँ एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है। तो ये सारी व्यवस्थाएँ की है, इसलिए बधाई के पात्र है। मुझे विश्वास है कि जो ये पहल यहाँ पर रेलवे ने उठाई है, तो मैं DRM मैडम जो है उनको भी बधाई देता हूँ और साथ ही साथ में, और इसीलिए आपने देखा होगा कि शहर का जो अंग है, तो यहाँ पर म्युनिसिपल कमिश्नर साहब भी आए हुए हैं, मीडिया करके मैं भी यहाँ पर हूँ, हमारे बीच में पुलिस कमिश्नर भी थे और तो मैडम जो है कैमरा उधर, तो ये सब देखते हुए जो है तो बहुत अच्छा पहल है। तो मैं फिर एक बार रेल मंत्री को, रेल जो अध्यक्ष है उनको और यहाँ की मैडम सबको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आपने बोल दिया और क्या। अब हम सबको मालूम है ये नागपुर स्टेशन भारत में सबसे सेंट्रल में बैठा है, एक्चुअली नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जाने वाले सारे ट्रेन इधर क्रॉस होता है, सब वेरी बिजी स्टेशन है। ऐसे एक इम्पॉर्टेंट आइकॉनिक स्टेशन में ऐसे प्रकार का हॉस्पिटल, हेल्थ केयर रिलेटेड फर्स्ट एड एंड ICU तक का सुविधा उपलब्ध करके देने का एक अच्छा निर्णय रेलवे मिनिस्ट्री ने लिया है, उसको आज ओपन हो गया। इसलिए मैं इधर का DRM मैम और इस योजना में जुड़े हुए न्यू एरा हॉस्पिटल को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और इस सुविधा के जैसे लोगों को, खास करके बहुत लंबा ट्रैवल करने वाले को कोई तकलीफ हो गया, कोई ज़रूरत पड़ेगा तो अच्छे सुविधा टाइमली उपलब्ध करने में मदद होगा। आई विश एवरीवन कंग्रेचुलेशन। ये रेलवे हॉस्पिटल के CMO है जो मैनेज कर रहे हैं, उनका बाइट। इस आपातकालीन चिकित्सा कक्ष के उद्घाटन के बाद हमारी टीम ने प्लेटफॉर्म पर यात्री से बातचीत की। इस दौरान यात्री ने BCN न्यूज समक्ष अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। और ये जो सरकार ने किया है बहुत अच्छा किया है, जो यात्रियों के लिए बहुत सुविधा अच्छी है और ये हर जगह हर रेलवे स्टेशन पे होना चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। दवा खाना वगैरह हर यानी हर रेलवे स्टेशन पे उपलब्ध हो, ये सरकार ने करना चाहिए, बस यही मैं अपेक्षा करता हूँ। न्यूरा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से नागपुर स्टेशन पर 24/7 आपात चिकित्सा सेवा यात्रियों के लिए प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही स्टेशन पर न्यूरा की एम्बुलेंस 24 घंटे सेवा सुविधा की गुणवत्ता पर रेलवे के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और टीम नजर रखेगी। ऐसी जानकारी भी न्यूरा हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर आनंद संचेती द्वारा दी गई है। ये जो उपक्रम चालू हुआ है सेंट्रल इंडिया में फर्स्ट और संभवतः इंडिया में ऐसे टाइप का, जहाँ पे ICU फैसिलिटी भी अवेलेबल हो रेलवे प्लेटफॉर्म पे, जहाँ 24 घंटे डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ, फार्मेसी अवेलेबल हो, ये शायद फर्स्ट है जो टेंडर से किया गया। रेलवे को इस उपक्रम के लिए सराहनीय हम बधाई देते हैं। न्यू एरा हॉस्पिटल ये कोशिश करेगा कि जितने पेशेंट इमरजेंसी के हम अटेंड कर पाए, यदि हम 2 पेशेंट्स की भी जान बचा पाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा गर्वान्वित महोत्सव होगा। और ये इसी के लिए ये पूरी फैसिलिटी चालू की है, हम यहाँ पे सभी सुविधाएं दे रहे हैं एंड जो पेशेंट को रिससिटेट करने के बाद आगे फैसिलिटी लगती है वो फिर हायर सेंटर पे शिफ्ट किया जाएगा, बट इमरजेंसी सब फैसिलिटी एवरीथिंग कैन बी प्रोवाइडेड एट द स्टेशन इट्सेल्फ। दिस इज़ वाई दिस कंसेप्ट ऑफ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज इज़ बीन स्टार्टेड एट द हॉस्पिटल एट द रेलवे स्टेशन।
डॉक्टर निधीश मिश्रा, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यू एरा हॉस्पिटल। बेसिकली हमने जो स्टेप लिया है रेलवे के सहयोग से, इसका मेन पर्पस जो है वो इमरजेंसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, स्पेशली मेडिकल इमरजेंसीज़। लाइक किसी कोई पेशेंट अगर नीडी है रेलवे ट्रैवल करते हुए, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, लाइक किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम हुई या किसी को लूज मोशंस हुए, किसी को ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो सारी चीज़ें अपन इमीडिएटली यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, क्योंकि यहाँ पे हमें आईसीयू की फैसिलिटी अच्छे से दी हुई है। तो हमारे जो डॉक्टर हैं यहाँ पे 24/7 रहने वाले हैं, एक कोऑर्डिनेटेड स्टाफ है अपना पूरा, तो हम सारी कोशिश करेंगे कि हम बेस्ट फैसिलिटीज़ अपने रेलवे स्टेशन पे ही दे पाएँ। हंड्रेड पेशेंट्स के पास INR PNR टिकट रहेगा, उन्हें सिर्फ 100 rupees हम चार्ज करने वाले हैं, और जो पेशेंट्स डायरेक्ट वॉक इन आते हैं और जिनके पास टिकट नहीं है, ओनली 300 rupees। सो दिस इज सब्सिडाइज फैसिलिटी, वी आर नॉट चार्जिंग फॉर एनीथिंग, एंड 100 rupees भी ये नॉमिनल है ताकि इसका अनवांटेड यूज़ ना हो। ये चांगली एक CSR फंड बनून जे झालेला आहे, ते खूप चांगली सुविधा आहे यात्री लोकांसाठी, कारण याच्यापूर्वी यात्री लोकांना 24/7 सुविधा मिळत नव्हती, कारण आम्हाला रेल्वे हॉस्पिटलमधून डॉक्टर बोलावे लागत होते, आणि कधी कधी पेशंटला जास्त सिरियस होत होता किंवा त्यांना हॉस्पिटलात करायला वेळ लागत होता। ही सुविधा झाल्यामुळे यात्री लोकांना किंवा रेल्वे कर्मचाऱ्यांनासुद्धा यांच्यामध्ये बेनिफिट्स मिळणार आहे, आणि नॉमिनल चार्जेसमध्ये सर्वांचं इलाज होईल। मेडिकल शॉप नव्हतं आमच्याकडे, मेडिकल शॉप पण झालेलं आहे, त्यामुळे कोणालाही जर दवाईची जर आवश्यकता असेल ती दवाईसुद्धा इथे रेल्वे स्टेशनला 24/7 मिळेल। डीआरए मॅडम का सहायता में ये इतना अच्छा चीज हुआ है, जो पैसेंजर के लिए जो प्रॉब्लम पहले होता था, अरे ट्रीटमेंट माने मॉडर्न टाइप का ट्रीटमेंट मिलेगा, और इमरजेंसी अगर किसी का कोई मेडिकल असिस्टेंस जरूरी होगा, इमरजेंसी कुछ होगा तो तुरंत हो सकता है, EMR में मेडिसिन भी 24 आवर्स अवेलेबल होगा, और यहाँ से भी कहीं रेफर करना है उसके लिए एम्बुलेंस भी रहेगा, अरे सब सेफ रहेगा, हर की जितना सारे हम लोग कोशिश कर सकता है मेडिकली वो हम लोग हेल्प कर पाएंगे। दिस इज अ गुड फैसिलिटी एज अ जॉइंट वेंचर फ्रॉम द रेलवेज एंड द न्यू एरा हॉस्पिटल। इट्स गोइंग टू सर्व द जनरल पब्लिक हु मे नीड मेडिकल इमरजेंसीज, हु मे नीड मेडिकल हेल्प इन केस ऑफ ट्रैवलिंग व्हाइल ट्रैवलिंग। So the emergency room will provide emergency treatment to the passengers, and if need be, the patient will be shifted to the higher hospital at the earliest. So the patient will be in safe hands, because round the clock it will be manned by the doctors, and all the emergency things have been provided in that emergency medical room. मध्य रेल और शहर के प्रसिद्ध न्यू एरा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वावधान में बहुत ही सराहनीय पहल 24/7 आपातकालीन चिकित्सा सेवा को यात्रियों की सेवा में नाम मात्र शुल्क में शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन लोकमत मीडिया के हाथों किया गया। निश्चित ही इस आपातकालीन कक्ष के निर्माण से यात्रियों को लाभ होगा। रेल भारतीय रेल विभाग और न्यू एरा हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में नागपुर के रेलवे स्टेशन पर न्यू एरा हॉस्पिटल द्वारा जो स्वास्थ्य सुविधा यहाँ उपलब्ध की जा रही है, आज उस हॉस्पिटल का जो है ओपनिंग हुआ है। हमारे साथ जो डॉक्टर अजय संचेती जी हैं, हम उनसे जानेंगे कि हमारे साथ डॉक्टर आनंद संचेती जी हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस अनोखी पहल के बारे में। हम अक्सर देखते हैं कि इमरजेंसी होती है, रेल में जो यात्री रहते हैं, जो बहुत ही दूर का जो है यात्रा करते हैं, उन्हें कभी कभी इमरजेंसी आती है, ऐसे टाइम हेल्थ की सुविधा नहीं होती है, लेकिन अब नागपुर के स्टेशन पर ये की गई है, इसके बारे में हम उनसे जानें। मैं सबसे पहले तो सेंट्रल रेलवे को, DRM मैडम और सारे अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने न्यू एरा हॉस्पिटल के साथ जो टाइप किया है और सर्विस देने का हमें अवसर दिया है, उसके लिए सभी का धन्यवाद। जो हमें समझ में आया है यहाँ के रेलवे अधिकारियों के द्वारा कि रेलवे में जो इनको परेशानी होती है, ट्रेन में इमरजेंसीज आती है, पेशेंट को दवाइयाँ टाइम पे नहीं मिलती है, उस सुविधा को देखते हुए उन्होंने
सेंट्रल रेलवे ने कुछ एक जगह आइडेंटिफाई करके दी है जहाँ पे हमने एक छोटा इमरजेंसी आईसीयू बेड जैसा क्रिएट किया है, जहाँ 24 आवर्स डॉक्टर्स रहेंगे, एम्बुलेंस सेवा भी रहेंगी, जिसको ज़्यादा क्रिटिकल कोई पेशेंट मरीज आया है रेलवे स्टेशन पे या कोई पैसेंजर भी आया है तो हम उसे हॉस्पिटल में तुरंत शिफ्ट कर पाएंगे। तो इसका लाभ सारे पैसेंजर्स को, इवन ये एरिया के बाकी लोगों को, रेलवेज के स्टाफ को, अधिकारियों को, उनके परिवार को, सबको ये सुविधा बहुत लाभदायक रहेगी। और काफ़ी कम फीस में ये व्यवस्था शुरू की गई है। हमने आपने जैसे बोला है कि कम फीस में ये व्यवस्था रहेगी, तो हम जानते हैं कि रेल ऐसी है इसमें कोई भी सफ़र करता है, मतलब गरीब तबके से लेके अमीर तक, तो ये जहाँ जनरल में जो लोग मतलब ये करते हैं, यात्रा करते हैं, उन्हें अगर इमरजेंसी आती है उनके लिए किस तरह से रहेगा ये? सारे पैसेंजर को सेम ही ट्रीटमेंट है, भले ही वो एसी क्लास का रहो या फर्स्ट क्लास का रहो या जनरल रहो, रेलवे पैसेंजर का यहाँ अगर टिकट मिल गया तो उसको एकदम नॉमिनल फीस में ही सारा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जो लेवल का ट्रीटमेंट लगेगा वो लेवल की ट्रीटमेंट करेगी, डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी है, इमरजेंसी है, चाहे वो कोई भी क्लास का रहो, जनरल क्लास का भी रहा तो भी उसको एम्बुलेंस में तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट भी किया जाएगा, वो भी निःशुल्क किया जाएगा। नॉमिनल फी यानी सिर्फ 100 रुपये ही हर पेशेंट को चार्ज कर सकते हैं, और दवाइयों की शॉप वहाँ है तो सारे मरीज वहाँ से दवाइयाँ भी ले सकते हैं, तो अभी प्लेटफॉर्म के बाहर जाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। और अगर रेलवे के वायरलेस द्वारा हमको मैसेज मिलता है कि कोई स्टेशन वर्धा से स्टेशन सपोज पेशेंट सीरियस हुआ है और नागपुर आना है, तो हमारी डॉक्टर की टीम स्ट्रेचर के साथ, इमरजेंसी दवाइयों के साथ वो बोगी के सामने खड़ी रहेगी और उसके बर्थ पे जाके भी इलाज शुरू होगा। तो ये सारी फैसिलिटी अभी संभव है 24/7। इस तरह की फैसिलिटी जो है मतलब देश के अन्य स्टेशन पे कहीं है या नागपुर ही ये पहला स्टेशन होगा? नहीं, रेलवे में इंडिया में काफ़ी जगह ऐसी शुरुआत की है, मुझे पता नहीं मिनी आईसीयू कहीं बना है या नहीं, पर बॉम्बे में, दादर में, कल्याण में 2-3 जगह तो मुझे पता है कि ऐसी फैसिलिटी दवाई के दुकान के साथ और डॉक्टर अवेलेबिलिटी की शुरू तो है, पर शायद हमने जो मिनी आईसीयू और इमरजेंसीज और सारे ट्रीटमेंट, इवन जो बोलते हैं कि इम्पॉर्टेंट टाइम आफ्टर हार्ट अटैक वेस्ट नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी हमने वो ट्रीटमेंट या इंजेक्शन देना या डिफिब्रिलेटर ट्रीटमेंट, वो सारी चीज़ें क्रैश कार्ड के साथ व्यवस्था रखी है, तो शायद ये पहला हो सकता है, पर मुझे पता नहीं इसके बारे में। मध्य भारत का पहला बोल सकते हैं नागपुर? हाँ, ये तो पक्की बात है, मध्य भारत में ये पहला ही रेलवे स्टेशन है, ये तो बोल पाएंगे। थैंक यू। तो हमने देखा कि मध्य भारत का नागपुर रेलवे स्टेशन पर न्यूरा हॉस्पिटल और रेल विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक हॉस्पिटल शुरू किया गया है जहां रेल यात्रियों को अगर किसी तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी इमरजेंसी आती है तो नागपुर के स्टेशन पर वहां सुविधा मिल सकती है। ये बहुत ही सराहनीय पहल जो है न्यूरा हॉस्पिटल और भारतीय रेल के संयुक्त तत्वावधान में की गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।